Welcome to True Education. Myself Prathamesh, and this is our first motor vlogging video. So guys, support करो. और देखो, ऐसे लग रहा है कि आज इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन सॉरी, आज इंडिपेंडेंस डे नहीं है. आज है रमजान ईद, और मेरे मुसलमान भाइयों को ईद के बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो आज गाइज हम लोग जा रहे हैं उल्लासनगर, और उल्लासनगर में कुछ नाइट लाइफ वहाँ की दिखेंगे. आइसक्रीम उइसक्रीम खाएंगे, हलवा वलवा खाएंगे, और बोलती है क्या पब्लिक, जाके ब्रेक मारेंगे क्योंकि तो और लोग भी जाने के रहे. चलो, और बहुत सही लग रहा है, रोड भी पूरा खाली है, और रात को बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है. तो आज मैं एक्चुअली तो गाइस एक्चुअली हम लोग आज उल्लासनगर जा रहे हैं. आज उल्लासनगर की नाइट लाइफ देख रहे हैं कि क्या है उल्लासनगर में. मेरा दोस्त हमेशा बोलता रहता है, चलो उल्लासनगर जाते आइसक्रीम खाते हैं, फालूदा खाते हैं. तो निकल गया अभी डेंगली से निकले. तो माय गॉड, कितना बड़ा कट है. ट्रक भी आ रही है भाई. कैसे जाना, सीधे जाना है कि यहाँ पे जाना है? सीधा, ओके. पेट्रोल तो भरा लिया है, तो ज़रूरत नहीं है, तो निकलते हैं. रुको रुको भाई, सफर करो, थोड़े जाने दो हमें भी. वैसे मामाबरी जाने का एक प्लान था मेरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा अभी तक नहीं आएगा, सॉरी. तो ये भी मैं मेरे फ़ोन पे शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये गलती है तो माफ़ कर दो भाई. क्या करना, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है? ओके, राइट लेना है. ओके, ये पूरा गाइस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, मेरा दोस्त बोल रहा है. यहाँ पे अगर आपको उल्लासनगर में अगर आए हो तो इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ लेने की, तो देखो लाइट है, फैन है, जो भी चीज़ आपको मिल जाएगा. ये उल्लासनगर बहुत ज़बरदस्त मार्केट है. अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे. हाँ, आप मेरे आइसक्रीम खाने कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? गोल मैदान. फेमस, ओ फेमस प्लेस ऑफ उल्लासनगर. वाओ, पूरा गाइस फर्नीचर मार्केट है. यहाँ पे आपको फर्नीचर मिलेगी, और अगर आप सुबह आओगे यहाँ पे तो आपको घूमने के लिए मुंगी भी नहीं मिल सकती, इतना रश रहता है यहाँ पे. लेकिन अभी रात को आया हो तो सब दुकान बंद है, लेकिन सुबह अगर आपको कभी भी आपको फर्नीचर लेना है तो आप उल्लासनगर आ सकते हो, काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाएगा. लेकिन क्वालिटी आपको बस चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वालिटी के मामले में कुछ बता सकते. चलू बोल गया कि अच्छी भी क्वालिटी मिलती है और चीप रेट में भी मिलती है, सही बात है. ये लाइटिंग मुझे पसंद है, क्या बात है. ये अभी नेहरू चौक पे आ गए, ये सबसे मेन चौक है उल्लासनगर का. यहाँ से 3-4 गलियाँ निकलती है, और कहाँ ये कितनी गली, 1-2-3-4 ही है. अभी कहाँ पे जाना है दोस्त? सीधा, ओके. सब लोग घूम रहे हैं, हम लोग भी घूमेंगे. ये सब गारमेंट है गाइस, ये गारमेंट है. और यहाँ पे आप सुबह आओगे ना तो भाई आपको यहाँ पे बाइक छोड़ो, आपको चलने के लिए जगह नहीं होगी. तो राइट में जाएंगे, चंडी भाई जैसे बोलेंगे वैसे, क्योंकि चंडी भाई का पूरा एकदम बालों किला है भाई. वो चंडी भाई एकदम छोटे से बड़े हुए ले, तो चंडी भाई जो बोलेंगे वही सही. इधर अपने को तो कुछ मालूम नहीं, अपन तो सिर्फ गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं भाई. उल्लासनगर की नाइट लाइफ है भाई, पब्लिक निकल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसा नहीं गाँव का जगह शांत है, चालू है रे. मुंबई जैसा है पूरा, मुंबई आमची मुंबई. और ये है कुल्फी, फालूदा, दयालू. तो अभी देखते हैं यहाँ पे आइसक्रीम, यहाँ की फेवरेट है.
फालूदा बना रहे हैं अपने लिए। क्या बात है, एक शेक दो राजा उधर। चलो चंदू ट्राई करते हैं फालूदा। पूरा मावा भरे कि क्या है, इतना बड़ा फालूदा कौन खाएगा। वाह बहुत जबरदस्त है रे भाई। देख चलो गाइस, तो अभी अपन निकल रहे हैं और यहाँ पे आप अभी बड़ी गाड़ी चला रही है, बहुत डर लगता है भाई। तो गाइस अभी हम बगाली में आइसक्रीम खाने गए थे, हमें बहुत एक अच्छी फालूदा का, और फिर सर जी ने हमें एक मलाई सूप भी पिलाई, और कसम से बोलता हूँ बहुत टेस्टी भी थी ना। ओ माय गुडनेस, व्हाट अ टेस्ट, क्या टेस्टी था यार। फिर उसमें खावा था, खावा बोले तो मावा, मावा था उसके अंदर, आइसक्रीम थी, आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर थे, पिस्ता से लेके मैंगो तक सब कुछ था, फुल फालूदा के साथ भर के पका तक। अपना तो काम 25 हो गया भाई, पेट इतना भर गया ना कि बस दो दिन खाना नहीं खाएगा तो भी इतना सुकून की जिंदगी सो सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, और फिर मैंने उनको कहा कि मैं फिर से आऊँगा। ओ एक मिनट, पहले हम कर ले थे ओके। तो मैंने उनको कहा कि मैं फिर से आऊँगा, और ही सो पोलाइट, इतने अच्छे थे वो। तो क्या बोलूँ, मतलब मुझे बहुत ख़राब लगता है कि मैं, और ही वॉज लाइक सो बिजी, तो भी उन्होंने हमें टाइम दिया और पैसे भी नहीं लिए। तो अभी क्या लेना, लेफ्ट में राइट लेना है भाई, सॉरी भाई मैं लेफ्ट राइट में बहुत कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन मेरे इसलिए मैं मेरे भाई को लेके आया कि भाई थोड़ा दूर कर, उल्लासनगर में कभी आया नहीं ज़्यादा। ओके चंदू भाई ने बोला राइट लेंगे तो राइट लेंगे, चंदू भाई जल्दी राइट यार। तो भाई जल्दी बैक टू डोंबिवली, अपना डोंबिवली वृंदावन, डोंबिवली जाएंगे। आज मजा आ गया, रात की पूरी जिंदगी जी ली, अब तो क्या घर पे जाना ही पड़ेगा कल, आज सैटरडे कल संडे,